तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर के बिल्कुल समक्ष दिखा रहे हैं, बिल्कुल समीप दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जूस बेचते थे कुछ लोग, लेकिन इस समय जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अतिक्रमण के विरोध में जिस तरह से लगातार मुहिम चला रहा है, उसी मुहिम के तहत यहाँ पर भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से की जा रही है। जेसीबी मशीन आपको भी यहाँ पर दिखेंगे और जेसीबी मशीन के माध्यम से ये जो एक ढांचा बनाया गया था, इस ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो जो यहाँ पर सामान मौजूद था, जो लोगों का रोजगार था, चाहे हम फ्रूट की बात करें या फिर जूस की दुकानें थी, तो वो सामान जो है यहाँ से बिल्कुल उठा लिया गया है और इसको यहाँ से उठाते हुए एक अलग जो है वो गाड़ी में भरा जा रहा है। और देखिए किस तरह से अगर हम कहें, तस्वीर हम आपको बख्शी नगर से दिखा रहे हैं जहाँ पर पूरे ढांचे को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। और पूरा ढांचा इस प्रकार ध्वस्त किया जा रहा है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो तमाम अधिकारी हैं वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। और देखिए साफ तौर पर सीधी तस्वीर है। हालांकि बहुत बड़े प्रश्न यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार उन परिवारों का क्या होगा जिनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ था और अचानक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम जो ढांचा है उसको ध्वस्त करते हैं। और जो यहाँ पर लोगों का रोजगार है उसको भी ध्वस्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी मरीज आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद होता है तो आप यहाँ से जूस जरूर खरीदते होंगे या फिर फ्रूट वगैरह या पानी की बोतल खरीदते होंगे, लेकिन इस समय यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस समय यहाँ पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जेसीबी मशीन नजर आ रही है जो इस पूरी तरह से ढांचे को ध्वस्त कर चुकी है। और इस समय अगर हम कहें तो यहाँ पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा फूट रहा है उन तमाम लोगों का जिनका रोजगार जो है यहाँ से जुड़ा हुआ था। हाँ तो नहीं 65,000 रुपया दुकानों का। हाँ लेकिन आपको पता है वो दुकानें सारी फ्लाईओवर के नीचे दुकानें। हाँ जी वो फ्लाईओवर के नीचे ही ऊपर तो स्टे लगा हुआ है। ये पता नहीं हमें क्या पता म्युनिसिपैलिटी ने हमें हमसे तो पैसा म्युनिसिपैलिटी ने लिया। म्युनिसिपैलिटी और पीडब्ल्यूडी का उसके ऊपर स्टे है। देखिए उससे हमसे तो पैसा म्युनिसिपैलिटी ने लिया ना, हमने तो म्युनिसिपैलिटी को दिया। दुकानदार है जिन्होंने पैसा दिया। 50 आदमी थे, 37 दुकानें कंप्लीट हो गई। 37 दुकानें 50 आदमी थे। हाँ 37 बना दी और 37 में से भी सारे खज्जल हो रहे हैं। अब आगे क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन? अब सभी से मिलेंगे, जाके देखेंगे क्या कहते हैं, नहीं तो बैठ जाएंगे धरने पे, भूखे मरेंगे। और परिवारों का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कम 200 परिवार रोटी खाता है। 50 दुकानों पे 3 नौकर 1 मालिक पलता है। हर दुकान पे 2 नौकर 3। पहले कहा गया था कि यहाँ पे साहस से कार्रवाई होगी। आज कोई कुछ नहीं कहा गया, आज कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, कोई अल्टीमेटम कर दिया। इससे पहले भी सर इस तरह के ढांचों को हटाया गया था। हटाया गया था पर हाँ हमें दुकानें दी गई हैं, उनकी अलॉटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? दुकानों के अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे म्युनिसिपैलिटी ने दी है बीसी रोड पे, ना तो हमें अलॉटमेंट दे रहे हैं, ना ही हमें कोई बिजली लगी है, ना ही वो वहाँ टाइल है, क्या करेंगे वहाँ जाकर? मजबूरी में यहाँ पर। हाँ मजबूरी में ही है जी, बच्चे पाल रहे, बच्चे कैसे पालेंगे? अब मेरा बेटा है वो पढ़ा लिखा है, वो भी यहाँ बैठा है, कहाँ नौकरी है नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो यही मरना है। अब कहते हैं ये यहाँ नहीं लगानी है, तो लगानी नहीं तो जाना कहाँ? कहाँ रोटी खाएंगे? बच्चों को क्या जहर दे दें? या तो जहर दे दें ये आके हमें बच्चों को। जब आपको ये पहले नहीं बताया जाता है, अचानक आप लोग काम कर रहे थे, कितने बजे ये लोग यहाँ पर आए? ये अभी आए जी आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले ही आए हैं, आधा घंटे में ही सारा कांड कर दिया उन्होंने। क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं कहा, आते डोजर लगा दिया, उठाओ उठाओ उठाओ, हमने जितना उठाया। मैडम जी हमें दुकानें नीचे मिल गई हैं, लेकिन वहाँ का जो है आधा काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आधा काम जो है पेंडिंग पड़ा, हम कह रहे हैं कि उसको करवाओ और हम चले जाते हैं। और मेयर की मतलब उनकी दया है जो हम जहाँ बैठे हुए थे, और हमें हमने इनको बोला कि हमें पहले हमने आपको यहाँ बसाया तो यहाँ पर कॉरपोरेशन क्यों हटा रही है? तो सवाल उनसे भी बनते हैं। नहीं उनसे ही हम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप आधा घंटा हमें पहले सुनाओ और हम उठा लेंगे, लेकिन ये तोड़ फोड़ का सिस्टम क्यों है?
अगर हम जबरदस्ती से बैठे हुए हैं तब तो है, हम इनकी कंजेंट से बैठे हुए हैं और इन्होंने हमें ना नीचे कंप्लीट करके दे रहे हैं ना हमें जहां बैठने दे रहे हैं। वहां जो दिया हुआ है और वहां ना तो अंदर टैल लगी हुई है ना कुछ है। पहले आपकी इन लोगों के साथ बातचीत हुई थी कि वहां पर हमें बसा दीजिए? ये कोई 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो। इन्होंने कहा जब तक जो है ना हॉस्पिटल तैयार नहीं होता तब तक आप बैठ सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये आते हैं और क्या नाम है उठा डंडा लेके आ जाते हैं, ये क्या चक्कर? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमें जो म्यूनसिपैलिटी ने जो दिया है हम कह रहे हैं उसको कंप्लीट करो और हम चले जाते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती क्या है? तब परिवारों को कैसे पालेंगे? अब परिवार ये पालेंगे ना ये हमारे परिवार, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा है। जबरदस्ती वहां जाओ ये हो गया वो हो गया, अरे यार हम जब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जब हमें आधे घंटे का टाइम दे दो तो हम उठा लेते हैं, आप हमें मत बैठने दो, लेकिन ये क्या है? इन्होंने ऐसा भी किया और हमें दुकानें जो है ना इन्होंने दी है ऊपर से जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट है और म्यूनसिपैलिटी ने काम रोका हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दे रहे और अभी जल्द मिलते हैं सारा अलॉटमेंट चाहिए और फिर उसके बाद जो है हम चाहते हैं, मैं जूनियर का एडवाइजर हूँ, हम चाहते हैं कि हमें 65,000 रुपए मूल दिया हुआ दुकान का, हमें दुकान अलॉटमेंट कर दो, हमारी टैले लगा दो, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, नहीं हमारे कम्प्लीट हम दस रुपये कमा रहे हैं, ना अलॉटमेंट दी ना हमें बत्ती लगा कर दी ना कुछ दी। चलो जब हमारे साथ बात हुई थी जब पैसे की उन्हें बोला अलॉटमेंट दी। मेयर साहब आपने अभी कहा कि मेयर साहब के कहने पे आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा स्ट्रक्चर बनाया, तो मेयर साहब की बात कॉर्पोरेशन नहीं सुनता है? फादर ऑफ द सिटी मेरे क्या क्या बात है अंदर की, क्या बात है, हम कहीं जाए हम तो मेयर से करेंगे भाई, ठीक है हम चौथे अभी कॉल की उनसे बातचीत करें, आपके लिए तो शॉकिंग सिचुएशन है, बहुत बड़ा शॉक है। और स्विच ऑफ भी कर दिया उन्होंने, स्विच ऑफ हम मेयर साहब का जो बार बार कह रहे हैं, साफ तौर पर इनका एक आरोप है कि इनको जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने यहाँ पर कहा था कि देखिए आप ढांचे बना लीजिए, लेकिन अब अचानक कॉर्पोरेशन आती है, नगर निगम के तमाम अधिकारी आते हैं, उन तमाम ढांचों को ध्वस्त किया जाता है, बहुत से लोगों का रोजगार यहाँ पर जुड़ा है, फ्रूट की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, और तकरीबन इनका कहना है कि 200 लोग खाना खाते हैं एक व्यक्ति, और उसके साथ अगर हम कहें तो काम काज करने के लिए हर एक व्यक्ति के साथ एक एक मददगार है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका परिवार यहाँ पर जुड़ा है। लेकिन देखिए किस तरह से इस पूरे स्थान को इस समय खाली कर दिया गया है, जो तमाम ढांचे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है, और तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार आगे का भविष्य जो है वो क्या होगा, आखिरकार आगे किस प्रकार जो है वो चलेंगे, आगे किस प्रकार जो है अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आरोप के घेरे में आती जा रही है, जहां पर तमाम लोग ये कहते हैं कि देखिए उन्हें पहले सूचित नहीं किया जाता है, सूचना नहीं दी जाती है कि हम इस तरह से बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, उनके जो तमाम ढांचे उनके द्वारा निर्माण जिनका किया गया है उनको ध्वस्त करने वाले, और अचानक से यहाँ पर पुलिस का पूरा तंत्र मौजूद होता है। अभी अगर हम तस्वीरें दिखाएं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से, और पुलिस का पूरा तंत्र मौजूद है, और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से देखिए अभी भी जो सामान वहां पर है उसको उठाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, पूरा सामान गाड़ी में लाद कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम कर्मचारी हो या अधिकारी हो उनके आदेश के मुताबिक जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार यहाँ से जुड़ा है, 200 लोगों का खाना यहाँ से चलता है, ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना काल है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, लेकिन रोजगार अब नहीं बचा। आप यू आवाज बने रहे, देखते न्यूज़ ऑन एक्सप्लेन, जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।